नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से स्पाइडर प्लांट के साथ, जो अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बड़ा ही सुंदर प्लांट है। इसका शेड ही बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक, इसी पौधे के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से ग्रो किया जाए और किस तरह से इसकी केयर की जाए कि ये हमारे साथ सालों साल बना रहे। तो दोस्तों, छोटे छोटे पॉट में ही मैंने इनको लगा रखा है और बड़े अच्छे से चल रहे हैं। इसी समर में दोस्तों मैंने इस बॉटल में इसको ग्रो किया था और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। तो आसानी से इसके कई पौधे हम तैयार कर सकते हैं एक ही पौधे से, और नई नई ब्रांचेज इसमें से निकलती रहती है। ये देखिए दोस्तों, मेरे इसमें से भी नई नई ब्रांचेज निकल रही है। ये देखिए, बहुत सारे इसमें से पौधे निकल रहे हैं। तो हम इसको एक से कई पौधे बना सकते हैं और बड़ा ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। आसानी से ग्रो भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं मांगता है। पर दोस्तों, टाइम टाइम से सभी पौधे की केयर करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेंगे। और मैं हर पौधे की अपने बच्चों की तरह केयर करती हूँ और इनका पूरा ध्यान रखती हूँ, तो मैं इस पौधे का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। दोस्तों, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी होने पर इसके जो टिप्स होते हैं पत्तियों के, वो जलने लग जाते हैं। तो इतना पानी ज़रूर दीजिए कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, गीली रहे, और ड्रेनेज इतना अच्छा बनाइए कि सारा पानी डालते से ही निकल जाए, सिर्फ मिट्टी गीली रहे। जिससे क्या होगा दोस्तों कि यह पौधा हरा भरा बना रहेगा और इसकी पत्तियां भी नहीं जलेगी। और दोस्तों, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे और ये गमला भरा रहेगा पानी से, तो इसकी जड़ें भी गल सकती है। तो हमें ड्रेनेज अच्छा सा बनाना है। जब भी हम इस पौधे को लगाए तो मिट्टी ऐसी बनानी है हमको कि एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। तो गमले में जो भी पौधे लगे हैं दोस्तों, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी ही है, क्योंकि पानी आराम से निकल जाना चाहिए गमलों में से, वरना जड़ें सभी पौधे की ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने इसको बालू और गार्डन सोयल दोनों मिक्स करके ही उसमें लगाया है। हल्की सी मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिला दी थी। दोस्तों, इसको कुछ ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही अच्छे से चलता रहता है पानी से ही। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र नहीं करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट में मैंने ये कटिंग लगाई थी, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने इसको कट कर दिया था। मैंने मेरे फ्रेंड को दे दी थी ये कटिंग। उसके बाद दोस्तों, ये वाली ब्रांच उसमें से निकली है। फिर उसके बाद दोस्तों, ज़्यादा बड़े पौधे मैं रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे छत पर इतनी जगह नहीं रहती है। तो फिर मैंने यहाँ से कट कर ये पौधा तैयार कर लिया है इस गर्मी में। तो दोस्तों, अभी अभी फ़िलहाल ही एक महीने में ही ये ब्रांच नई निकली है, और ये देखिए कितनी हेल्दी ब्रांच है। ये वाली ब्रांच निकली है, ये देखिए नई दोस्तों। ये यहाँ से मैंने जब यहाँ से कट किया था इस ब्रांच को, तो यहाँ से नई ब्रांच निकली है और बड़ी हेल्दी ब्रांच है। तो दोस्तों, एक पौधे से हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनको कट करने के बाद दोस्तों, इनके यहाँ से ये देखिए, जहाँ पर इनकी आँखें बनी रहती है, जहाँ पर पत्तियाँ रहती हैं, वहाँ से नए नए पौधे निकल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो एक पौधे से कई पौधे भी तैयार हो जाते हैं, और बड़ा ही सुंदर प्लांट है दोस्तों। इंडोर आउटडोर मेरे दोनों तरह से चल जाता है, क्योंकि मैंने इनको बालकनी में रख रखा है जहाँ पर अच्छी धूप आती है और 2 से 3 घंटे की धूप में रखे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वो मिट्टी गीली है तो पौधे ख़राब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। और ये देखिए दोस्तों, मेरे एक भी पत्ती नहीं जली हुई है, मतलब ये पौधा स्वस्थ है। तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है, और बहुत कम, ऐसा भी नहीं है कि 8 से 10 दिन तक हम इस पौधे को पानी ही नहीं दें। तो हमें ठंड में तीन चार दिन में पानी देना है, और गर्मी में डेली इसमें मैं पानी देती हूँ, क्योंकि गमले छोटे छोटे से हैं दोस्तों, और ड्रेनेज इतने बड़े बना रखे हैं कि पानी सारा निकल जाता है। तो और दोस्तों, इसकी मिट्टी में फंगस वगैरह लगने का बहुत डर रहता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके टिप्स में से एक स्टिक निकलती है और उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन मेरे फ़िलहाल अभी ऐसा
नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर बार इसकी ब्रांच को हटा देती हूँ जो नई नई निकलती हैं, और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं होने दे रही हूँ, छोटा ही रख रही हूँ। शायद इसीलिए मेरे इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है। तो जो मुझे पता था दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये कटिंग से ही ग्रो होने वाला पौधा है। एक से कई पौधे तैयार हो सकते हैं। हार्डी प्लांट है और बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, इंडोर आउटडोर दोनों ही चल जाता है। तो मैंने सेमी शेड में इसको रख रखा है और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और छोटे छोटे पॉट में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे छोटे छोटे पॉट में ही पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। तो धन्यवाद दोस्तों।